नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। अपना उत्तर प्रदेश में खबरों का रुख कर लेते हैं। तमाम राजनीतिक दलों ने उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सहारनपुर पहुंचे, जहां उन्होंने स्वर्गीय चौधरी यशपाल की 100वीं जयंती के कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान अखिलेश यादव ने राज्य में बिजली बिल में इजाफे का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर चुटकी लेते हुए कहा कि मुख्यमंत्री बिजली के प्लांट का नाम तक नहीं ले पाते हैं तो बनाएंगे कैसे। अखिलेश ने आगे सीएम योगी पर चुटकी लेते हुए कहा कि आपने नाम बदलने के अलावा प्रदेश में क्या किया है, क्या विकास किया है? बिजली के केवल महंगी की है और हमारे मुख्यमंत्री तो बिजली पर इसलिए ध्यान नहीं देते हैं क्योंकि वो प्लांटों के नाम नहीं कह सकते। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री जी आए तो उनसे कहना कि प्लांट का नाम बता दो और सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट है, वो पता नहीं क्यों नहीं कहते, हमें नहीं पता कि क्यों नहीं कहते हैं। जब कह नहीं पाते तो बिजली कैसे बनाएंगे, जो कहेंगे वही तो करेंगे, इसीलिए सावधान रहना है इन लोगों से। और क्या कुछ कहा पूर्व मुख्यमंत्री ने, आप भी सुनिए। एक साथ से लड़ रहे हैं, एक साथ से लड़ रहे हैं, एक साथ से लड़ रहे हैं, बताओ। यही तो इलाका है जो चौधरी साहब को किसान के नाम से जानता है, चौधरी चरण सिंह, चौधरी यशपाल जी, ये वो चेहरे हैं। देखते ही हमें याद आ जाता है कि हाँ, यही हमारे किसानों के नेता हैं, हमारी यही पहचान है। बाबा टिकैत जी यही पहचान रही है क्षेत्र की। इसलिए आज हम आपसे, जब चौधरी यशपाल जी याद कर रहे हैं, हम सब मिलकर के याद कर रहे हैं, तो हमें सोचना चाहिए कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश का भविष्य कैसा हो, भविष्य कैसा हो। जो धुआं उड़ा करके सरकार चला रहा हो उसके हाथ में रहेगी सरकार। क्या विकास किया है? यही देवंत को होकर के मुजफ्फरनगर और सहारनपुर की सड़क समाजवादियों ने बनाई, चमचमाती सड़क है, फ्लाईओवर चमचाता चले जाओ। कौन सा सब स्टेशन बनाया है बताओ? बिजली केवल महंगी की है, बिजली महंगी की है इन्होंने। और हमारे मुख्यमंत्री जी बिजली को इसलिए नहीं ध्यान देते हैं, बिजली पे इसलिए नहीं ध्यान देते हैं कि उनके प्लांटों के नाम नहीं कह सकते वो। हमारे पत्रकार साथी बहुत पूछते हैं हमसे, कभी कभी एक सवाल पूछते हैं कि कई बार जो भारतीय जनता पार्टी वाले कहते हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि अपने पिताजी को वो इस नाम से बुलाते क्यों नहीं है, उसी पे हमने उनसे कहा कि बताओ बिजली का कारखाने का कभी नाम लोगे कि नहीं लोगे। और हम आज भी कहते हैं यहां पर पत्रकार साथियों, कहकर के जा रहा हूं, जब मुख्यमंत्री जी आए तो उनसे कहना कि प्लांट का नाम बता दो, 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट। अगर एक बार कह दें, वो पता नहीं क्यों नहीं कहते हैं 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, हमें नहीं पता क्यों नहीं कहते हैं। जब कह नहीं पाते तो बिजली कैसे बनाएंगे? जो कहेंगे वही तो करेंगे, इसलिए इनसे सावधान रहना, इन लोगों से। बोलो सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे आप लोग? मैं जानता हूं यहां पर लखनऊ जाने के लिए बहुत समय लगता है। मुझे याद है जब समाजवादी सरकार बनी थी 12 से 17 एक्सप्रेसवे समाजवादी सरकार ने बनवाया था, सबसे पहला उद्घाटन भी किया था नोएडा से लेकर के आगरा वाला, पहले साइकिल से उद्घाटन किया, फिर सरकार बनने के बाद उद्घाटन कर दिया। इसलिए आपसे कह करके जा रहा हूं, मुझे याद है जब कैराना का चुनाव हम जीते थे, आपने और हमें आरएलडी ने मिलकर के चुनाव जीतने का काम किया था। हमने अपना प्रत्याशी उन्हें दे दिया, उनका चुनाव चिन्ह रख लिया। बीजेपी वाले बोले ये कौन सा गठबंधन है, हमने कहा ये चमत्कारी गठबंधन है। और याद करो कैराना में समाजवादी पार्टी और आरएलडी तुरंत जीत गई थी, ये चुनाव जीत गए थे। उस समय जब चुनाव जीतने के बाद मैंने लखनऊ से कहा था कि समाजवादी सरकार बनेगी तो हमारे कैराना के लोगों को और वेस्टर्न यूपी के लोगों को लखनऊ आने में 4 से 4.5 घंटे से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 4.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे, ऐसी सड़क से जोड़ने का काम करेंगे। वो आज फिर कह के जा रहा हूं मैं,
अगर एक्सप्रेस वे समाजवादी लोगों ने बलिया और गाजीपुर के लिए जोड़ दिया, कभी लोग बलिया से चलते थे, गाजीपुर से चलते थे लखनऊ में, 8-8, 10-10 घंटे में पहुंचते थे, बहुत टाइम लगता था, राजधानी नहीं पहुंच पाते थे। मैं आपको भरोसा दिला के जा रहा हूं, 3-5 महीने बाद सरकार बनने जा रही है, सबसे पहले अगर किसी सड़क का नारियल टूटेगा तो नारियल को तोड़ने का काम करेंगे और सड़क की शुरुआत होगी। इधर के इलाके के लोग 4 और 4.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएं, वैसी सड़क बनाने का काम अखिलेश। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंची, जहां उन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर और मां कूष्मांडा के दरबार में हाजिरी लगाई। इसके बाद उन्होंने किसान न्याय रैली को भी संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। बेरोजगारी चरम पे है, जहां जहां जाओ बेरोजगार युवा मिलते हैं। परसों मैं लखनऊ की एक बस्ती में गई। मैं इसलिए गई थी क्योंकि योगी जी ने एक ऐसे शब्द इस्तेमाल किए सफाई कर्मचारियों के प्रति, मेरी बहनों के प्रति, जो रोज सुबह अपने घर में झाड़ू मारती हैं, जो सफाई करते हैं, हमारे देश हमारी शहरों को साफ रखते हैं, उनके प्रति उन्होंने अपशब्द कहे। तो मैं एक बस्ती में गई वाल्मीकि मंदिर में झाड़ू लगाने के लिए और उन सब से बात करने के लिए जो इस काम को अपनी आमदनी के लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं। उन सब ने मुझे बताया, मैं घर गई, घर घर गई, घर घर गई, एक घर से दूसरे घर गई, हर घर में मुझे बताया, अपने युवा बच्चे मेरे सामने लाए, किसी किसी ने एमए किया था, किसी ने बीए किया था, किसी ने आईटीआई किया था, किसी के पास नौकरी नहीं थी। कोरोना के समय तमाम छोटे बिजनेस, छोटे व्यापारी, तमाम लोगों को अपने काम बंद करने पड़े, अपनी दुकानें बंद करनी पड़ी, अपने व्यापार बंद करने पड़े। क्या सरकार ने कोई राहत दी? कोई राहत नहीं मिली, सिर्फ आपको प्रताड़ित किया, कभी जीएसटी, कभी नोटबंदी, कभी कुछ और। सब देशों में, इस पूरी दुनिया में, सब देशों में जहां जहां कोरोना की मार पड़ी, सरकार ने राहत दी, लेकिन आपको कोई राहत नहीं मिली। देश के हवाई अड्डों, देश की रेलवे, तमाम पीएसयू इनके खरबपति मित्रों को सौंपी गई हैं। आपको मालूम नहीं होगा शायद, प्रधानमंत्री जी ने पिछले साल अपने लिए 2 हवाई जहाज खरीदे। आप बताइए कितने के हो सकते हैं ये हवाई जहाज? सब मालूम है, सब पता है। एक हवाई जहाज 8,000 करोड़ का था, 2 हवाई जहाज खरीदे कितने के? और इस देश की पूरी एयर इंडिया कितने में बेची? अपने खरबपति मित्रों को कितने में बेची? 18,000 करोड़ में बेची। 2 हवाई जहाज अपने लिए खरीदे 16,000 करोड़ के। इस देश की एयर इंडिया को 18,000 करोड़ के लिए अपने दोस्तों को बेच दी। कमाई नहीं है, रोजगार नहीं है, किसान त्रस्त है, नदियों के पास रहने वाला निषाद त्रस्त है, दलित त्रस्त है, महिला त्रस्त है, सब त्रस्त है। लेकिन दीदी एक बात है कि मीडिया में बहुत आता है कि हम सुरक्षित हैं, तो मैं पूछना चाहती हूं कि क्या आपको सच्चाई दिख नहीं रही है? इस देश में सिर्फ 2 तरह के लोग सुरक्षित हैं आज। एक जो भाजपा का सत्ताधारी नेता है वो, और दूसरा जो उसका खरबपति मित्र है। सिर्फ 2 तरह के लोग सुरक्षित हैं। इस देश में कोई धर्म का
व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, किसी भी जाति का व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। इस देश में ना मजदूर सुरक्षित है, ना मल्ला सुरक्षित है, ना निषाद सुरक्षित है, ना दलित सुरक्षित है, ना गरीब सुरक्षित है, ना अल्पसंख्यक सुरक्षित है, ना मेरी महिला बहनें सुरक्षित हैं। इस देश में सिर्फ प्रधानमंत्री, उनके मंत्रिमंडल के लोग, उनकी पार्टी के लोग जो सत्ता में हैं वो सुरक्षित हैं, और उनके जितने भी खरबपति अमीर मित्र हैं वो सुरक्षित हैं। गोरखपुर में समाजवादी पार्टी द्वारा बूथवार शिक्षकों की भूमिका पर संवाद से समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, और इस दौरान समाजवादी पार्टी के शिक्षक सभा के प्रदेश महासचिव डॉक्टर एसपी सिंह पटेल ने कहा कि वर्तमान सरकार में शिक्षकों का शोषण अपने चरम सीमा पर पहुंच चुका है। ये सरकार शिक्षक विरोधी है और वर्तमान में शिक्षक पूरी तरह से सरकार से पस्त है, खास तौर से सरकार की नीतियों से। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार पार्टी के कार्यकर्ता ही तय करेंगे कि पार्टी से विधानसभा में प्रत्याशी कौन होगा, और जिसको कार्यकर्ता चाहेंगे उसी को विधायक पद का प्रत्याशी ही बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर काम करती है। गोरखपुर सीएम सिटी है, गोरखपुर में मनीष हत्याकांड, मनीष प्रजापति हत्याकांड और एक और ऐसा मामला आ रहा है जो महिला ने सीधे आरोप लगा रहा है, 25 लाख रुपए की आरोप लगा रही है महिला कि 25 लाख रुपए हमसे डिमांड, गुंडा एक्ट उछला जा रहा है। ये तमाम मुद्दे को लेकर हम मौजूद हैं। आज जो है सपा के वरिष्ठ नेता हैं जिनसे हम कुछ इस मामले पे हम चर्चा करेंगे। क्या मामला है, कैसा जो है गोरखपुर चल रही है सरकार, कैसे क्या आप देखते हैं, कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो आप सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर आज हम लोग से आप चर्चा कर रहे हैं। मित्र, हम बताना चाहते हैं कि भाजपा के लोगों ने कहा था कि मोदी है तो मुमकिन है, सारा वो कारनामा भाजपा के लोगों ने दिखा डाला। आपदा में हर प्रकार के अवसर तलाशे गए, ठेला खोमचा और सारे व्यापारियों से वसूली। आपने अभी देखा, एक हफ्ता हुआ होगा मनीष गुप्ता हत्याकांड, जो जिस खाकी के बल पर सबका परिवार रात को 12 बजे भी रेलवे स्टेशन से लोग रिसीव करने चले जाते हैं। और वही पुरानी कहानी है, रक्षक ही जब भक्षक हो जाए तो चिंताएं सबकी बढ़ जाती हैं। सीएम सिटी की वजह से यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर बहुत बेहतर होगा, लेकिन एक के बाद एक घटनाएं, आप मनीष गुप्ता, मनीष प्रजापति, अभी परसों खैलाबाद में घटना घटी है जिसमें एक बर्मा लड़का है जिसकी वीडियो वायरल हुई है, आप मीडिया के साथी हैं, आपके पास भी पहुंची होगी। सीधे कह रहा है कि पुलिस के लोगों ने हमको बड़ी मार मारी है, अगर जो हमारी मौत होती है तो इसकी जिम्मेदार स्थानीय थाने के लोग होते हैं। मित्र, एक के बाद अभी रंगदारी की घटना की चर्चा आप कर रहे थे, हम तो जानते हैं कि ऐसी कितनी घटनाएं होगी, लोग डर के नाते संज्ञान में नहीं लाते होंगे। आज स्थिति बस से बदतर है, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी महीनों दिन पहले आपने देखा होगा कि गोरखपुर हॉस्टल में एक दलित बच्चे जो फंदे से टंगी हुई मिली, उस पर भी अभी सस्पेंस हम लोगों के बीच में बरकरार है। अब पुलिस जो लीपापूर्ति करे हम कुछ कह नहीं सकते हैं। आखिर मुख्यमंत्री को तमाम ऐसे अधिकारी की बैठक लेते हैं, तमाम ऐसे अधिकारी पे चर्चा करते हैं कि हमारी जो भी कानून व्यवस्था है चुस्त और दुरुस्त हो, इसको लेकर तमाम ऐसे मुद्दे जो है सामने आ रहे हैं और तभी अधिकारी सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, इसको किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लाल फीताशाही बेलगाम है, इसके पीछे अनेक कारण है।
हमको तो लगता है कि मुख्यमंत्री पर खुद अपने आप को विश्वास नहीं है। जनप्रतिनिधि जो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचाए, हम जानते हैं कि मुख्यमंत्री जी का विश्वास आज उन वर्करों पर नहीं है। अब चुनाव आ गया है, जो भी कहे, लेकिन अगर विश्वास होता तो विधायक और सांसद किस लिए चुने जाते हैं? इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई, घटनास्थल पर कोई विधायक नहीं पहुंचता है। विधायक का दायित्व होता है, विधायक सेतु का काम करता है अधिकारी और पीड़ित पक्ष के बीच में, लेकिन आज पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से लेकर विधायक तक अपने आप को कहीं न कहीं यह महसूस कर रहे हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अब उसके पीछे रीजन क्या है, आप लोग बखूबी समझ सकते हैं। जैसे तमाम ऐसे सड़क को लेकर योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि गड्ढा मुक्त करेंगे, आप गोरखपुर की स्थिति ऐसी देख रहे हैं जो गड्ढा बिल्कुल जो है, जो सड़कें चल रही है बिल्कुल गड्ढा पे है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पूर्ववर्ती सरकार की देन है, गोरखपुर देवरिया, गोरखपुर महाराजगंज, गोरखपुर से कालेश्वर तक खोल ले, यह समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है और आदरणीय अखिलेश यादव की दूरदर्शिता की देन है कि आज यह कनेक्टिविटी दिखाई देती है। अगर यह मुख्यमंत्री जी इतना ही सक्षम है, हम एक क्वेश्चन आपसे करना चाहते हैं। एक शहर गोरखपुर आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नाम से सीएम सिटी के रूप में जाना जाता है, उस पंप स्टेशन की क्षमता को बढ़ाया गया। आज आप बताइए, इलाहीबाग के पंप स्टेशन की क्षमता को बढ़ाने के बाद सरकार के इस समय यहाँ के सीएम है आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, हमको आप बताइए कि 12 पंप लगे हैं, उसमें दो पंप चल रहा है, 10 पंप का न मेंटेनेंस है न रिपेयरिंग है, और हम ये जानते हैं कि उनका डीजल भी बेचा जा रहा है। यह एक जगह की का मामला नहीं, कटनिया पंप हम गए निरीक्षण करने, 5 पंप लगे जिसमें 2 चल रहे थे, 3 बंद थे। पूरे यहाँ से पूरे हाबटबंदी पर जो भी पंप लगे थे, अपनी सरकार के कार्यकाल में इन्होंने एक पंप स्टेशन स्थापित नहीं किया। गोरखपुर से 20 साल से ऊपर के सांसद रहे होंगे, 20 साल से अधिक समय तक सारी स्थिति को सांसद आने के नाते मुख्यमंत्री जानते थे। उसके बाद भी आप कह रहे हैं, मीडिया के साथी हैं, कि गोरखपुर कटोरा जैसी स्थिति है, एक पंपिंग स्टेशन बता दीजिए जिसकी क्षमता वृद्धि हुई हो और नया एक पंपिंग स्टेशन लगा हो, हम खुद भारतीय जनता पार्टी का प्रचार करते हैं। अच्छा, ये लास्ट एक मुद्दा है मेरा कि जैसे महिला, दलित महिला है जिससे 25 लाख का डिमांड किया जा रहा है, आपका सिटी जो हॉस्पिटल है सिटी, उसके पीछे उनकी कुछ रहने खाने जीने पीने की जो ज़मीनें हैं उस पर इस सरकार से क्या उम्मीद लगा रही है, आखिर आप लोग क्या मतलब इस पर कहेंगे? हम तो जानते हैं कि ये सरकार में जंगल राज कायम है, गुंडों का बोलबाला है। जिस सरकार में मुख्यमंत्री जी खुद मुकदमा वापस लेते हैं, उप मुख्यमंत्री का मुकदमा वापस लेते हैं, इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ा। सुल्तानपुर में आम आदमी पार्टी द्वारा जयसिंहपुर तहसील के गिरधारी लाल धाम में एक जनसभा का आयोजन किया गया। इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद ने कहा कि हम उत्तर प्रदेश में कानून का राज देना चाहते हैं, हम एक अच्छी व्यवस्था देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मेरा वादा है कि आम आदमियों से कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के जीतने के बाद प्रदेश में आम आदमी की सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर बिजली माफ होगी और हर आदमी को 300 यूनिट बिजली मुफ्त भी मिलेगी। उन्होंने कहा कि यदि उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो दिल्ली की तर्ज पर ही उत्तर प्रदेश का विकास होगा। और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि अब तो बड़े बड़े नेता झाड़ू लेकर झाड़ू लगाते नजर आ रहे हैं। इस दौरान और क्या कुछ उन्होंने कहा, आप भी सुनिए। देखिए, ऐसा है कि पूरे प्रदेश में आम आदमी पार्टी का अभियान चल रहा है। केजरीवाल का पहला वादा 24 घंटे फ्री बिजली, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, तो ये अभियान अब गांव-गांव में हम लोग चला रहे हैं, छोटी बड़ी सभाओं के माध्यम से, जनसंपर्क के माध्यम से, डोर टू डोर के माध्यम से। मैं उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ,
75 साल आपने जातियों का वोट बैंक बनाया, धर्मों का वोट बैंक बनाया, इस बार केजरीवाल मॉडल का वोट बैंक बना लो, शिक्षा का वोट बैंक बना लो, इलाज का वोट बैंक बना लो, फ्री बिजली का वोट बैंक बना लो, फ्री पानी का वोट बैंक बना लो, इस बार फसल के दाम का वोट बैंक बना लो, नौजवानों के रोजगार का वोट बैंक बना लो। और जब ये वोट बैंक बन जाएगा, काम के नाम पर वोट बैंक बन जाएगा, तो नेता बेईमानी और भ्रष्टाचार नहीं कर पाएंगे, उनको जनता को काम करके दिखाना पड़ेगा। दिल्ली में काम के नाम पर एक सरकार चुनी गई और उस केजरीवाल सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, माताओं बहनों की बस की फ्री यात्रा, ऐसे तमाम अनुकरणीय कार्य करके दिखाए जिसको देखने के लिए आज दुनिया के तमाम देश आते हैं। गोरखपुर में पुलिस की बर्बरता का शिकार हुए कानपुर के व्यापारी मनीष गुप्ता की पत्नी को अब सरकारी नौकरी भी दी गई है। बता दें कि मनीष की पत्नी मीनाक्षी को कानपुर विकास प्राधिकरण में ओएसडी पद पर नियुक्ति दे दी गई है और केडीए के अधिकारियों ने मनीष के घर पहुंचकर उनकी पत्नी को नियुक्ति पत्र भी सौंप दिया है। इस दौरान बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी भी मौजूद रहे और केडीए के अधिकारियों का कहना है कि मृतक मनीष की पत्नी अपनी सुविधा के मुताबिक केडीए में ज्वाइन कर सकती हैं। उन्हें कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करने के लिए कहा गया है। वहीं बीजेपी विधायक सुरेंद्र मैथानी ने कहा कि सीएम योगी ने मृतक के परिजनों से जो भी वादे किए थे सभी पूरे कर दिए हैं। वहीं इस दौरान मनीष की पत्नी मीनाक्षी ने बताया कि सोमवार को मनीष की 13वीं है, जिसके चलते वो सोमवार को ज्वाइनिंग नहीं करेंगी। वो मंगलवार को केडीए में ओएसडी का पद ग्रहण करेंगी। देखिए, जब मैं पहले दिन आया था, डेड बॉडी यहाँ सामने थी, तभी मैंने उनके परिजनों को कहा था और उसी समय लगातार समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग ये आरोप लगा रहे थे कि नहीं, इस पर कुछ नहीं होगा। जो जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा वो सारा पूरा हुआ। हम सब लोगों ने, मैंने गार्जियन के नाते से परिवार को कहा था कि मैं गार्जियन हूँ और गार्जियन के नाते से पूरी भूमिका का निर्माण किया। अभी 3 दिन पहले जब मैं आया था तो फिर से एक संदेह निकला, जब समाजवादी पार्टी के एक विधायक ने, कानपुर के विधायक ने कहा कि ये नहीं होगा, ये टाला जा रहा है। और जब ये जानकारी मैंने एक व्यवहारिक रूप से माननीय मुख्यमंत्री से रात में बात करी, उन्होंने कहा इस विषय पर बात करने की कोई आवश्यकता नहीं, जो जो मैंने उस दिन परिवार के साथ भेंट करके बोल दिया था, जो आपने विधायक जी मुझसे कहा था, वो सब पूर्ण कर चुका हूँ। प्रक्रिया अविलंब पूर्ण होकर के नियुक्ति भी उनको मिलेगी। मुझे इस बात का गर्व है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने जो जो मैंने जब परिजनों को मिलाया था, जो जो चीज़ें कहीं, वो सब पूर्ति हुई। लड़का यानी जो मनीष जी हैं, उनको तो वापस कोई नहीं प्रकृति में ला सकता, लेकिन परिवार की जीविका का साधन और उनके भविष्य में उनके बच्चों के लिए व्यवस्था, उनके परिवार के लिए व्यवस्था, उनके मनीष के पिताजी के लिए व्यवस्था, ये सारी चीज़ें, 40 लाख रुपए देने का मामला हो या ट्रांसफ़र, जो केस के ट्रांसफ़र की कानपुर में बात हो, असीम अरुण जी ने, कानपुर के डीएम साहब ने पूरा सपोर्ट कर रहे हैं और बढ़ चढ़ के परिवार को भी विश्वास है। शासन से अपॉइंटमेंट लेटर, नौकरी का जो अपॉइंटमेंट लेटर होता है, वो कल निर्गत हो गया था, तो आज हम लोग उसको लेकर के मीनाक्षी गुप्ता जी को उनको प्राप्त करा दिया गया है मूल कॉपी। और इसके क्रम में उनको जो फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है, एक तो शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र के अभिलेख देने हैं और एक चिकित्सा जाँच के प्रमाण पत्र होते हैं, सीएमओ साहब के यहाँ से वो जारी होता है, तो उसके संबंध में अवगत करा दिया गया है। सीएमओ साहब भी संपर्क में हैं, वो भी जल्दी ही उनकी मेडिकल जाँच करके प्रमाण पत्र दे देंगे। तो शैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र और चिकित्सा प्रमाण पत्र के साथ और जो आईडी प्रूफ के अभिलेख होते हैं, वो सारे कागजातों के साथ ज्वाइनिंग करने के लिए जो अभिलेखीय पूर्ण कराने हैं उसकी जानकारी दे दी गई है और अभिलेख उपलब्ध कराने के लिए नियुक्ति पत्र सौंप दिया गया है। उन्होंने मेरे सर्टिफिकेट्स वगैरह देखे अधिकारियों ने और मुझे बताया क्या क्या चीज़ें किस तरह मुझे वहाँ पर प्रोवाइड करनी देनी है और पूरा सहयोग करेंगे ऐसा पता कि सारे अधिकारियों ने मुझसे कंफर्ट जोन में रह के ज्वाइनिंग करने के लिए कहा। मैं सोमवार को ज्वाइन नहीं करना चाहती, मनीष की 13वीं है उस दिन, मंगलवार को थोड़ी देर में चली जाऊंगी ऐसा मैंने उनसे कहा है। हाँ, उन्होंने अपने जो भी वादे किए थे पूरे किए मुख्यमंत्री जी, उसका शुक्रिया। पुलिस की टीम, एसआईटी टीम भी बहुत तेज़ी से कार्य कर रही है, लेकिन अभी भी मेरा इंसाफ अधूरा है।
और इसी के साथ अपना उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ ऑल इंडिया।